आज हमारा टॉपिक है ड्राई आई सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत अपने टाइटल से बहुत ज़्यादा ईजिली गेस करने वाला एक टर्म है। ड्राई आई, ड्राई आई मतलब सूखी, मतलब आँख जब सूखी हो जाती है। सो लेट्स सी कि ये ड्राई आई सिंड्रोम कैसे होता है। अब नॉर्मल अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो काफ़ी ऐसे लिपिड फिल्म्स रहते हैं, टीयर फिल्म्स जिसको हम बोलते हैं। टीयर मतलब आंसू प्रोड्यूस करने वाले, टीयर प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स बहुत सारे आइज़ के अराउंड और अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें काफ़ी फिल्म्स होती हैं, जैसे एक्यूस टीयर फिल्म हो गया, लिपिड टीयर फिल्म हो गए, ऐसे काफ़ी फिल्म मतलब परत होती है जिनसे टीयर रिलीज होता है। ओके, किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति में इन फिल्म्स में या इन ग्लैंड्स में से टीयर्स रिलीज नहीं हो पाए तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज अ ड्राइनेस कंडीशन। और वो ड्राइनेस अगर एक बीमारी बन जाए, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यूसली वो ड्राइनेस रह जाती है, देन दैट सिंड्रोम इज़ नोन एज ड्राई आई सिंड्रोम। ठीक, ड्राई आई सिंड्रोम को केराटो कंजंक्टिवाइटिस सिका भी कहा जाता है। ओके, केराटो कंजंक्टिवाइटिस सिका, ये इसका ये एक्चुअली मेडिकल टर्म है और ये जनरल टर्म है। सो ड्राई आई सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज केराटो कंजंक्टिवाइटिस सिका। ओके, लेट्स सी व्हाट कैन बी द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम्स होते हैं। ओके, व्हेन वी से कि द पर्सन कैन हैव द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ ड्राई आई सिंड्रोम, देयर कुड बी सम फैक्टर्स जिसकी वजह से ड्राई आई हो सकता है। उसमें सबसे पहले आता है एज। ओके, ओवर 65 इयर्स ऑफ एज एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ड्राइनेस आ सकती है। मतलब टीयर्स जो होते हैं, फिल्म जो होती हैं, वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, एक एज के बाद जैसे 50, 55, 60 के बाद बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। और डिग्रेडेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि टीयर्स डेवलप होना बंद हो जाएं या टीयर्स डेवलप होना कम हो जाएं, दैट कैन कॉज ड्राइनेस। ओके, नेक्स्ट कैन बी जेंडर, फीमेल। ऐसा नहीं है कि मेल्स को ड्राइनेस नहीं हो, ड्राई आई सिंड्रोम्स नहीं पाए जाते हैं मेल पॉपुलेशन में, लेकिन फीमेल्स हैव मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ड्राई आई सिंड्रोम एज कम्पेयर्ड टू मेल्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ड्यू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज, मेनोपॉज एक्सेट्रा। ठीक है, ओके, दिस कुड बी द मोर प्रोमिनेंट रीजन्स जिस वजह से फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू मेल्स। ओके, इनके अलावा कुछ मेडिकेशंस। ऐसा देखा गया है कि अगर अपने लाइफ स्पैन में कोई व्यक्ति कुछ मेडिकेशंस का अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ करते थे तो उनमें आगे चलकर ये टीयर डेवलप होना कम हो जाता है या टीयर डेवलपमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, ऐसे केसेस देखे गए हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कॉम्प्लिकेशन ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। हम कुछ कॉमन ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में मेडिकल सिस्टम्स में सुनते रहते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स जो हम किस लिए देते हैं, एलर्जी कंडीशंस के लिए देते हैं, ठीक है, इचिंग के लिए देते हैं। तो वो एंटीहिस्टामिन, अगर एंटीहिस्टामिन के आई ड्रॉप्स कोई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या एंटीहिस्टामिन्स किसी और फॉर्म में भी अगर एडमिनिस्टर किया जा रहा है किसी की बॉडी में, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ड्राई आई सिंड्रोम। इट कैन बी डीकंजेस्टेंस, एंटी हाइपरटेंसिव्स, ठीक है, देन डिप्रेसेंस, एंटी डिप्रेसेंस एक्सेट्रा। ओके, इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं,
ओके, मेडिकल कंडीशंस में द कंडीशन कैन बी डायबिटिस, इट कैन बी थायराइड डिसऑर्डर्स, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे मेंटल मतलब नॉट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स नहीं, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का रूप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, उनमें से जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो सबसे ज़्यादा देखा गया है जिसकी वजह से होता है, दैट इज़ पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है, एक्सेट्रा. पार्किंसंस डिजीज़ हम आगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के चैप्टर में क्लियरली डील करेंगे, एक बड़ा टॉपिक है. यहाँ पे आपके लिए जानना बस इतना काफ़ी है कि पार्किंसंस एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल नर्व डैमेज डिसऑर्डर है जिससे बॉडी का जो मूवमेंट है वो इंसान डिसेबल्ड हो जाता है या एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, तो जब मूव नहीं कर पाते हैं, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज पार्किंसंस डिसऑर्डर. ठीक, बाकी डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, सो दिस कैन बी सम कंडीशंस. इसके अलावा कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग या फिर यूज ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स जिनकी स्क्रीन को अगर कोई व्यक्ति, जैसे ऑक्यूपेशनली ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली मोबाइल, कंटिन्यूसली कंप्यूटर स्क्रीन्स को ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है, पूरे वर्किंग आवर्स में उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहना पड़ता है, डेटाज कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो कॉन्स्टेंटली जब आए, और वो भी जब आपने अगर क्यूबिकल्स देखे होंगे ऑफिस सेक्टर्स के जो क्यूबिकल्स हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में, आपने देखा होगा कि जो क्यूबिकल्स होते हैं, क्यूबिकल्स मतलब छोटे छोटे कैबिन्स बना के रखे होते हैं और वो एरियाज बहुत छोटे होते हैं, मतलब एक व्यक्ति, उनका एक डेस्क, उस पर एक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम और एक चेयर. ओके, तो वो जो चेयर मतलब जिस पे वो व्यक्ति बैठते हैं और जो कंप्यूटर सिस्टम है उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो मतलब बहुत कम दूरी से वो लाइट पूरा उनकी आँखों पर कॉन्स्टेंटली पड़ रहा है, शायद 6 घंटे के लिए, शायद 10 घंटों के लिए, और कभी कभी बहुत और ज़्यादा देर के लिए. तो ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूसली अगर एक व्यक्ति ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक कॉज कर सकते हैं. ओके, पोल्यूशन कॉज हो सकता है जिसकी वजह से टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, आई इंजरी या आई ट्रॉमा, ठीक, इरिटेंट्स, ठीक, ये कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से ड्राई आई सिंड्रोम किसी में डेवलप हो सकता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि किस तरीके से वो पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं जिनकी आँखों में टीयर बिल्कुल कम होने लगता है. ओके, व्हेन वी से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले आई इरिटेशन, ऑक्यूलर पेन, रेडनेस ऑफ आई, फोटोफोबिया. फोटोफोबिया, आई में जब लाइट पड़ती है तो बहुत तेज़ उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है, दैट इज़ फोटोफोबिया. ठीक है, अगर हम फोबिया को एक मेंटल आउटलुक से देखें, मेंटल हेल्थ के आउटलुक से देखें, तो फोबिया एक ऐसा कंडीशन जब किसी भी चीज़ को परसीव करने में इंसान को डर लगता है, तो फोटोफोबिक जो कंडीशन होता है वो है जिसमें व्यक्ति की आंखों पे जब रोशनी पड़ती है तो उन्हें इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है कि वो लाइट को अवॉइड करने लगते हैं, उन्हें लाइट से डर लगने लगता है. ओके, इचिंग, ठीक है, डिक्रीज्ड विजन, डिक्रीज्ड विजन, तो ये कुछ कंडीशंस हैं. इसके अलावा
ऑक्यूलर एडिमा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने की वजह से. ऑक्यूलर एडिमा के अलावा देयर कुड बी चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, बहुत ज़्यादा देर, बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर पर्टिकुलरली अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से टीयर फॉर्म नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा अगर इचिंग व्यक्ति करने लगता है तो उसकी वजह से भी देर आर चांसेस कि इतना ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है जिसकी वजह से अंदर के जो पिगमेंट्स होते हैं, सॉरी पिगमेंट्स नहीं, लेयर्स होते हैं, एपिथेलियल लेयर्स, उनमें स्क्रैचेस आने लगती हैं और उस स्क्रैचेस और ज़्यादा दिन रहने के बाद क्या हो जाता है, देयर कैन बी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. किसी किसी में देखा जाता है कि म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू ड्राई आई. ठीक है, एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर म्यूकसेस निकलने लगती हैं, बहुत थिकी सब्सटेंसेस निकलने लगता है. वो भी शायद इसलिए ज़्यादातर होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर लेयर क्या हो गया, स्क्रैच हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो आई में इरिटेशन होना, इचिंग फील होना, इरिटेशन होना, डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना, स्वेलिंग होना, ऑक्यूलर एडिमाज होना, बल्जिंग होना, एडिमा की वजह से आंखें ऐसे फूली हुई सी बाहर को आती हुई बल्ज लगती हैं, फोटोफोबिया होना, डिक्रीज्ड विजन, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आई में जो टीयर होता है एक्चुअली ये जो आंसू हैं या जो टीयर फॉर्म होते हैं वो आई को ल्यूब्रिकेट करने के लिए होता है. जब आई ल्यूब्रिकेटेड रहता है तो वो आराम से आई बॉल मूव कर पाता है. जब ड्राइनेस होगी तो आई बॉल मूव नहीं करेंगे और मूव करेंगे तो पेन कॉज करेंगे, स्क्रैचेस कॉज करेंगे. ओके, उस के साथ साथ जो आई टीयर्स होते हैं वो फॉरेन बॉडी को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और टीयर ग्लैंड्स ओवर स्टिमुलस हो जाते हैं और ज़्यादा टीयर्स के साथ वो जो फॉरेन बॉडी है वो आंखों से बाहर आ जाता है. इमेजिन अ सिचुएशन जब ये टीयर ग्लैंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो जब टीयर ही नहीं होगा तो फॉरेन बॉडी अंदर ट्रैप हो जाता है एंड दैट कैन कॉज रेडनेस एंड इन्फेक्शन. ओके, सो दिस इज़ ऑल द पर्सन एक्सपीरियंसिस विथ ड्राई आई सिंड्रोम. ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम एक थॉरो हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं फॉर बल्जिंग एंड रेडनेस एंड ऑक्यूलर एडिमास के लिए. इसके अलावा द पर्सन इज डन अ स्लिट लैम एग्जामिनेशन. स्लिट लैम्प के थ्रू ऑप्थेल्मोस्कोपी की जा रही है और आईज के अंदर देखा जाता है कि कहाँ पे स्क्रैचेस हैं या किस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है. ओके, सो दिस इज़ अनफ. इसके अलावा कोई मेजर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ड्राइनेस है ये तो पेशेंट सिम्टम के साथ बता ही देता है. ड्राइनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेशेंट नोटिस ना कर पाए अपनी बॉडी में, ये तो बहुत ईजिली पेशेंट को पता चल जाता है. और इस ये ड्राइनेस क्या टीयर्स ग्लैंड के नॉन फंक्शनल की वजह से ही है या कोई और ट्यूमर कंडीशन है, ये जानने के लिए एक स्लिट लैम एग्जामिनेशन इनफ है. ओके, नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू द लास्ट इज मैनेजमेंट. ओके, पर्टिकुलरली कोई सर्जिकल मैनेजमेंट्स नहीं होते जब, बल्कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स का जो सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है उसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ड्राई आई सिंड्रोम. इस वजह से और ज़्यादा सर्जरीज ड्राई आई सिंड्रोम में परफॉर्म नहीं किए जाते हैं. इनमें ज़्यादातर ये किया जाता है कि आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में. तो ये आर्टिफिशियल टीयर्स डे टाइम में, मतलब व्यक्ति काम कर रहे हैं, व्यक्ति बाहर जाते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को क्या दिया जाता है, टीयर्स दिए जाते हैं कि वो आंखों में ड्रॉप्स डाल दिया करें. वो ड्रॉप्स का जो टाइम पीरियड है वो कुछ घंटों तक रहता है. उनको एडवाइस कर लिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड में वापस ड्रॉप्स डाल लें, ठीक, या फिर ज़्यादा इरिटेशन फील हो तो ड्रॉप्स डाल लें. तो डे टाइम का काम उनका ऐसे पूरा हो जाता है. नाइट टाइम के लिए, मतलब ये डे के लिए है, नाइट टाइम में उनकी आंखें रेस्ट फेज़ में हैं, काफ़ी देर तक वो रेस्टिंग पोजीशन पे रह सकते हैं, स्टर्नस एक्टिविटी मतलब उनकी आंखों में नहीं हो रही है, तो उस दौरान ऑयलमेंट्स दिए जाते हैं नाइट टाइम के लिए. ठीक है, ऑयलमेंट डे टाइम में इसलिए नहीं दिया, अगर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं
तो आप डे टाइम में भी देखते हैं कि उनको ऑयलमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, क्योंकि वो शायद बेड रिडन होंगे या वो होम केयर सेटिंग में ही होंगे, तो दैट इज़ ओके. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, बाहर जाते हैं, तो ऑयलमेंट से देर आर मोर चांसेस कि ऑयलमेंट, क्योंकि बहुत स्टिकी होता है, कोई भी धूल मिट्टी या कोई भी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स, इरिटेंट्स जो है, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाएंगे और वो चीज़ आंखों के अंदर जा सकती है. और क्योंकि टीयर मौजूद नहीं है, इसलिए वो वहीं पर ट्रैप होके ब्लीडिंग कॉज कर सकता है. नाइट टाइम में क्योंकि एक्सपोजर कम है, तो इसीलिए ऑयल, आर्टिफिशियल टीयर्स डे टाइम में और ऑयलमेंट्स नाइट टाइम में दी जाती है. ओके, इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन ऑयल, ऑप्थाल्मिक इमल्शन, लाइक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल इमल्शन, ये डाला जाता है जिस वजह से किसी भी तरीके की स्कारिंग्स या कॉम्प्लिकेशंस ना हो और ल्यूब्रिकेशन बना रहे. ये भी ल्यूब्रिकेशन के लिए था और ये भी ल्यूब्रिकेशन के लिए, पर ये ल्यूब्रिकेशन के साथ साथ एक प्रोफिलैक्सिस प्रोवाइड कर रहा है कि किसी भी तरीके का स्कारिंग अगर होगा भी, मतलब छिलेगा या कुछ भी होगा, तो उस वजह से इन्फेक्शंस या पस फॉर्मेशंस नहीं होंगे. ओके, लास्ट जो करते हैं वो करते हैं पंक्टल प्लग्स. पंक्टल प्लग्स एक इन्वेसिव प्रोसीजर है. इन्वेसिव प्रोसीजर में क्या किया जाता है, ये बहुत छोटे से मेटालिक या सिलिकॉन डिवाइसेस होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, आंखों के अंदर टीयर ग्लैंड्स में रख दिया जाता है, जिस वजह से टीयर ग्लैंड्स, मतलब अगर ये ग्लैंड है मान लीजिए, ये जो डिवाइस है उन्हें इस तरीके से यहाँ प्लेस किया जाएगा कि ये डिवाइस अब ऑक्लूड नहीं होंगे या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होंगे और टीयर ग्लैंड में से अच्छे से टीयर प्रोड्यूस और ड्रेनेज होता रहेगा. अगर ऑक्लूजन एक कारण है तो उस डिवाइस को जो हम सर्जिकली इन्वेशन करके प्लेस करते हैं, उसको हम कहते हैं पंक्टल प्लग्स. ठीक है, सो देर आर थ्री मैनेजमेंट्स, आर्टिफिशियल टीयर्स और ऑयलमेंट्स इन डे एंड नाइट टाइम, साइक्लोस्पोरिंग इमल्शंस एंड पंक्टल प्लग्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट. ओके, तो ये था हमारा मैनेजमेंट. तो ये एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था, ड्राई आई सिंड्रोम. एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. ड्राई आई सिंड्रोम, नॉर्मली द टीयर्स आर फॉर्म्ड इन द आईज फॉर ल्यूब्रिकेशन, गुड हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ द आई. ठीक है, अगर ये पर्टिकुलरली टीयर्स एंड टीयर ग्लैंड्स में से किसी भी लिड अबनॉर्मैलिटी की वजह से, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ की वजह से, लिपिड या एक्यूस टीयर फिल्म के अबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से अगर ये टीयर बनना बंद हो जाते हैं तो, और आंखों में टीयर नहीं बन पाता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज कैराटो कंजक्टिवाइटिस सिका या फिर ड्राई आई सिंड्रोम. ओके, इसका रीज़न हमने बोला कि इट कैन बी ड्यू टू ओवर एज, जेंडर, लाइक फीमेल्स ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस या मेनोपॉज, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज़ या फिर थायराइड प्रॉब्लम्स या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, नर्व डिसऑर्डर्स की वजह से, मेडिकेशंस जैसे एंटी हिस्टामिन्स या फिर डीकंजेस्टेंस या फिर एंटी हाइपरटेंसिव्स या एंटी डिप्रेसेंट्स, या फिर हमने बात किया कि प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स या फिर कंप्यूटर स्क्रीन्स की वजह से, या फिर किसी पर्टिकुलर इंजरी या फिर टॉक्सिक या पॉल्यूटेंट फॉरेन बॉडीज़ की वजह से, या फिर जैसे अभी मैंने बोला था किसी भी तरीके का रिफ्रैक्टिव एरर या ऐसा कोई सर्जरी हो, उसमें भी चांसेस हैं कि ये फिल्म क्या हो जाएगा, फिल्म कट सकता है और जिस वजह से, लीजन की वजह से आगे टीयर प्रोड्यूस ना हो पाए. इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये बहुत कॉमन है कि जो हमारे आंखों में टीयर आता है उस वजह से जो हमें कंफर्ट महसूस होता है, अगर वो टीयर नहीं होगा तो सब कुछ ऑपोजिट होगा, लाइक ड्राइनेस हो जाएगा, इचिंग होगी, इरिटेशन होगा, पेन होगा, एडिमा होगा, बल्चिंग होगा, रेडनेस होगा, फोटोफोबिया होगा, हेडेक होने के चांसेस हैं, और ऑफकोर्स विजन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के तौर पे हमने कहा कि स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करना इज़ इनफ. मैनेजमेंट में हमने बोला कि या तो फिर आर्टिफिशियल टीयर्स इन द डे और ऑयलमेंट्स इन द नाइट, साइक्लोस्पोरिन इमल्शंस जो ऑप्थाल्मिक इमल्शंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं, या फिर बार बार ये करना मुश्किल हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो पंक्टल प्लग्स जो होते हैं, पंक्टल वर्ड आता है पंक्चर से, मतलब टीयर ग्लैंड पे पंक्चर कर देना और इन प्लग्स को वहाँ लगा दिया जाता है ताकि ये वापस ड्रेनेज ऑफ
क्लोज ना हो और ये ओपन रहेंगे तो टीयर ग्लैंड्स बनते रहेंगे, टीयर ग्लैंड्स में टीयर्स बनते रहेंगे, ठीक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्राई आई सिंड्रोम। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।